न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, किया पौधरोपण, कहा जुलाई में एक ही दिन लगाए जाएंगे 25 करोड़ वृक्ष, पर्यावरण संरक्षण को दिया जाएगा बढ़ावा। 48 के हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जीवन के 49वें वर्ष में किए प्रवेश, उनके लिए जन्मदिन भी रोज जैसा ही एक दिन। नाथ पंथ में दीक्षित योगी नहीं रखते पूर्वजन से नाता, गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष स्टोरी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा परिसर में डीजीएम, नगर विधायक और सदर सांसद ने किया पौधरोपण। सदर सांसद ने लोगों से की अपील, कम से कम 2 पौधा लगाकर पर्यावरण को करें संरक्षित। बेलीपार पुलिस ने शातिर पशु तस्करों के गैंग का किया पर्दाफाश, बोलेरो समेत 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से पिकअप बोलेरो से 4 गोवंश को भी किया बरामद, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। गोरखपुर के दिव्यनगर के 2 सगे भाई समेत 6 आए कोरोना पॉजिटिव केस, कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 126, 35 ठीक होकर जा चुके हैं घर, जबकि 7 की हो चुकी है मौत और 84 लोगों का चल रहा है इलाज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। मंडलायुक्त एवं डीआईजी ने किया गुरु गोरखनाथ सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल एवं गैलेंट इस्पात फैक्ट्री का निरीक्षण, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्य करने के दिए निर्देश। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर सदर सांसद रवि किशन ने दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा दीर्घायु हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैंट क्षेत्र के दिव्यनगर तथा पिपराई थाना क्षेत्र के ग्राम मौलाखोर में मिला कोरोना पॉजिटिव, एसडीएम सदर ने किया उस एरिया को हॉट स्पॉट घोषित, कहा नामित अधिकारी रखेंगे उस क्षेत्र का ख्याल, आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसपी साउथ और बेलीपार थाना प्रभारी ने थाना परिसर में किया वृक्षारोपण, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा हम सबको पर्यावरण को बचाने में अपना पूरा करना चाहिए योगदान। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के गौतम बुद्ध छात्रावास में किया गया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। लॉकडाउन में मिली छूट के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में महिला थाना प्रभारी ने टीम के साथ किया पैदल गश्त, महिला ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों में जाकर की चेकिंग। सांसद विधायक सहित अन्य साहित्यकारों ने किया नरेंद्र देव पांडे द्वारा लिखित पुस्तक संगम शरणम गच्छामि का विमोचन, पुस्तक के विषय बिंदु पर रखे अपने विचार। और शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से मिली गर्मी और उमस से राहत, हुई दिनचर्या भी प्रभावित, एडीएम फाइनेंस ने कहा पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को भी है बारिश का आसार।